अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम शेयर करेंगे आपके साथ अपने किचन में ये आलू की सब्जी। आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल भंडारे वाली आलू की सब्जी, बिल्कुल यूनिक स्टाइल में। तो उसके लिए हमने ये तीन पा आलू ले लिए थे, जिसे हमने कुकर में डाल के उबाल लिया था और इसे छील के हमने इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में हाथ से ही मैश कर लिया है। तो ये हमारे रेडी हैं सब्जी में जाने के लिए। उसके लिए इसके अंदर जाने वाले हैं ये मेन टमाटर। टमाटर की आप प्यूरी भी बना के डाल सकते हैं। इसे हमने ग्रेटर से छिलका उतार के ग्रेट कर लिया है। आप इसका पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं। ये हमारे बड़े साइज के 4 टमाटर थे, वजन में ये 250 ग्राम होंगे। तो टमाटर इसमें ज़्यादा ही जाते हैं, तो इससे ही टमाटर से अच्छा जायका आता है हमारी सब्जी में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी सब्जी बनाना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी बनाना। तो देखिए, आलू की सब्जी बनाने के लिए हमने कढ़ाई रख दी है अपनी गर्म करने के लिए। इसमें हमने 2 चमचे ऑयल ऐड कर दिया है। ये हमारा सरसों का ऑयल है, आप चाहें तो कोई सा भी ऑयल ऐड कर सकते हैं। हम ज़्यादातर अपनी सब्जियाँ सरसों के ऑयल में ही ऐड बनाते हैं। तो उसके लिए हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ये हमारी 4 से 5 साउथ वाली मिर्चें हैं, लाल वाली, और 1 टीस्पून हमारा जीरा है, 1 टीस्पून हमारी हींग का पाउडर है। आपके पास वैसी वाली हींग है तो आप घोल के डाल सकते हैं बाद में। तो हमारा ऑयल गर्म है, ये छोड़ देंगे हम पहले, हल्का सा घुमाएंगे अपने जीरे को। देखिए हमारा जीरा चटक चुका है। अब इसमें हम ये हमारा 3 स्पून प्याज का पेस्ट है और 2 स्पून हमारा ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये जाएगा इसके अंदर। तो हमने अपना प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट को 1 सेकंड के लिए घुमा लिया है। अब इसमें हमारे सूखे मसाले जाएंगे। तो ये 1 टीस्पून हमारा धनिया पाउडर है और ये 1/2 टीस्पून हमारा हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून हमारा सादा नमक है और 1/2 टीस्पून हमारा काला नमक और 1 टीस्पून हमारी ये कुटी हुई रेड चिल्ली है मिर्च और 1/2 टीस्पून हमारा ये भुना हुआ जीरा और 1/2 टीस्पून हमारे गरम मसाला। तो इसके अंदर ये गरम मसाले जाएंगे। आप मेरे तरीके से इसे फॉलो करिए तो बहुत जायके की बनती है ये सब्जी। ये हमारे टमाटर की प्यूरी है, जिसे हमने ग्रेटर से ग्रेट करा था, हाफ हम अभी ऐड करेंगे इसमें और हाफ हम अपने आलू ऐड करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे। ये हमने 1 चम्मच पानी ले लिया है अपने मसाले वाली उसी प्लेट में, ये डाल देंगे हम ताकि हमारा मसाला अच्छे से भुन जाए और इसमें से एक लाजवाब खुशबू आने लग जाए। इसे तकरीबन हमारे मसाले को भुनने में 5 मिनट का टाइम लगेगा, तब तक हमारा ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। हम कस के अपने मसाले को अच्छे से भुनेंगे खुशबू आने तक। ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है, आप देख सकते हैं सेंटर में जाके बिल्कुल एकदम चटकने लगा है और इसका ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और इसमें से एकदम लाजवाब खुशबू आने लगी है। अब इसमें हम अपने ये आलू ऐड कर देंगे। ये हमारा छोटा वाला जग है, ये हम पूरा एक भर के डालेंगे इसमें। पानी आप अपने मुताबिक डाल सकते हैं, आपको कम या ज़्यादा पतला सुरुआ चाहिए या थोड़ा सा थिक। तो देखिए देखने में कितना बढ़िया लग रहा है हमारा सालन। हाफ टमाटर हमने अपने मसाले में डाले थे और हाफ टमाटर जो हमने बचाए थे वो हम अब ऐड कर देंगे इसमें। ऐसे करने से हमारी सब्जी बहुत टेस्टी बनती है, एकदम जायकेदार। अगर आप आलू की सब्जी बना रहे हो तो इसी तरीके से डालें। ये हमारी 1 टीस्पून कसूरी मेथी है और ये 1/2 टीस्पून हमारे ये आमचूर पाउडर है, आप ये भी ज़रूर से डालें। और ये हमारी 1 कटोरी हरी मिर्च हैं। आप इस वक्त इसमें नमक भी चख सकते हैं, अगर आपको किसी चीज़ की कमी लगे तो यहाँ डाला जा सकता है। तो हम सिर्फ इसमें एक बॉयल आने देंगे, उसके बाद दिखाएंगे हम डिस आउट करके अपनी सब्जी। तो देखिए
हमारी आलू की सब्जी बनके बिल्कुल रेडी है। हमने अपनी गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया लग रही है, कितनी जायकेदार लग रही है। यकीन मानिए इतनी टेस्टी बनी है ये सब्जी, आप मेरे तरीके से इसे ज़रूर ट्राई करें। आप इसे चावल के साथ खाएं या पूड़ियों के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं, सभी के साथ बहुत अच्छी लगती है ये, एकदम खाने में इतनी बढ़िया लगती है। आप मेरे तरीके से इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।